धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। आप सब, कहा जाता है कि देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों के लिए आज हम, मैं श्याम धर्मिंद, आप सबके सामने वो सवाल बताएंगे, वो ट्रिक बताएंगे। जैसा कि अब देखिए कुछ सवाल हम आपको संख्या पद्धत यानी संख्याओं के आधार पर बताएंगे, संख्याओं के आधार पर बताएंगे आपको कैसे कम समय में सवालों को हल करना है। जैसे संख्या में पहला पॉइंट पर हम चर्चा किया जाए, अंक अंक कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, कुल अंकों की संख्या 10 होती है, कुल अंकों की संख्या 10 होती है, जीरो से लेकर 9 तक होती है। कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। इन्हीं अंकों से पूरी संख्या का निर्माण होता है, इन्हीं अंकों से पूरी संख्या का निर्माण होता है। अब जैसे आप पढ़े हैं, प्राकृतिक संख्या पढ़े हैं, प्राकृतिक संख्या जिसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या जिसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोला जाता है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर वस्तुओं को गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वस्तुओं को गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। इस प्राकृतिक संख्या ऐसी साधारण संख्या है जिसे जानवर भी गिन लेते हैं। जैसे अगर कोई कुतिया अगर बच्चा दिया है, कोई अगर भाई जानवर अगर बच्चा दिया है, अगर उसका बच्चा आप एक खिनी गायब कर देते हैं तो वह भी पहचान जाती है कि हमारा एक बच्चा कम है। यानी कि वस्तुओं को गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या है, जिसे अंग्रेजी में हम होल नंबर बोलते हैं, अंग्रेजी में होल नंबर बोला जाता है। पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या का मतलब होता है अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए, प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यह प्राकृतिक संख्या में इसी में जीरो को एडजस्ट कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे जीरो देखिए इसके आगे हमने लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, कोई लिमिट नहीं है, अपरिमित है। यानी कि इसी तरह से बढ़ता जाएगा, यह हुआ पूर्ण संख्या। आपने जाना होगा सम संख्या और विषम संख्या के विषय में, सम संख्या और विषम संख्या के विषय में जाना है। सम संख्या क्या है, जो संख्याएं दो से कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या क्या है, वह संख्या जो दो से विभाजित न हो। लेकिन हम उन संख्याओं में आपको चर्चा करेंगे जो परीक्षा में अधिकांश पूछा जाता है, क्योंकि आप सबके पास समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। आपका क्लास हम डेली 5 बजे चलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका क्लास डेली 5 बजे चलाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब विद्यालय से भी जुड़े हुए हैं। इसलिए देखिए हम बताएंगे आपको अभाज्य संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा में प्रश्न बनेगा इससे, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कहा जाता है। आप सब जानते होंगे अभाज्य संख्या बहुत पुराना है, जो संख्या स्वयं से कट जाए और एक से कट जाए। कहने का मतलब जिन संख्या का दो ठेनी गुणनखंड होता है,
जिन संख्याओं का दो ठिणी गुणनखंड होता है उन्हें को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब जैसे देखिए एक, एक का गुणनखंड तो केवल एक ही होगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह अभाज्य संख्या नहीं है। हमने कहा जिन संख्याओं का दो ठिणी गुणनखंड होता है उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए दो लिखा, दो एक से भी कटेगा और दो स्वयं दो से कट रहा है, एक दुक्के दो और दो एक्का दो। कहने का मतलब प्रथम अभाज्य संख्या क्या हुआ, दो। एक तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, एक एक केवल एक से ही कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, इसके अलावा किसी से नहीं कट रहा है। इसी में लोग भ्रमित हो जाते हैं। अब देखिए जैसे दो के बाद तीन, तीन देखिए एक से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है तीन से भी। हमने कहा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो भाई जो संख्या जिन संख्या का गुणनखंड केवल दो ठिणी होता है। दो ठिणी का मतलब एक वह स्वयं से कट रहा है और एक से कट रहा है, एक से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, इनका दो ही गुणनखंड बनेगा, दो ही खंड होगा इनका। जैसे देखिए तीन, तीन एक से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, या देखिए एक और दो, इनका दुई का दो गुणनखंड हुआ एक गुणे दो, तीन का दो गुणनखंड हुआ एक गुणे तीन। अब इसी तरह से हम अगर चार लेंगे, चार लेंगे, देखिए चार अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह एक से भी कट रहा है, दो से भी कट रहा है और चार स्वयं से कट रहा है। हमने कहा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्याओं का केवल दो ही गुणनखंड होता है, केवल दो ही, कहने का मतलब वह केवल दो भाई अंकों से कटती हैं, एक स्वयं से और एक एक से कटती हैं, तो अभाज्य संख्या के अंतर्गत लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। कहने का मतलब यह अभाज्य संख्या नहीं हुआ। इसके अलावा चार नहीं हुआ, तब देखिए पांच, पांच यह एक से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, इसलिए यह अभाज्य गुणन भाई अभाज्य संख्या होगा। अब आपने पहचान लिया। इसी तरह से देखिए छह नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, छह एक से भी कट रहा है, दो से भी कट रहा है, तीन से भी कट रहा है और छह स्वयं से कट रहा है। कहने का मतलब जिनका गुणनखंड केवल दो ठिणी होता है, यानी कि कहने का मतलब वह केवल एक से कटे और स्वयं से कटे, जिन संख्याओं का गुणनखंड केवल दो ठिणी होता है उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। छह एक से भी कटा, दो से भी कटा, तीन से भी कटा और स्वयं से कटा। अगला देखिए सात होगा, सात केवल एक से कट रहा है और सात से कट रहा है। इसी तरह से तमाम उदाहरण आप सेट कर सकते हैं। आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, तब प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, दो है। बहुत परीक्षा में पूछा गया है, बहुतों परीक्षा में यह पूछा गया है, यानी कि प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, दो। परीक्षा में इस पर भी प्रश्न बन सकता है भाई कि कोई सम अभाज्य संख्या बताइए, कोई सम अभाज्य संख्या बताइए, केवल यही सम अभाज्य संख्या होगा, इसके अलावा कोई सम अभाज्य संख्या हो ही गा नहीं, इसके अलावा कोई सम अभाज्य संख्या होगा ही नहीं, केवल सम अभाज्य संख्या एक ही नहीं होगा, केवल वह दो होगा। अब देखिए तमाम लोग उस पर भी कंफ्यूजन में रहते हैं। जैसे देखिए और भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या है, देखिए साधारण में सम विषम तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आज हम उन संख्याओं का उपयोग करेंगे, वे संख्याओं के बताएंगे, जैसे इसके बाद सह अभाज्य संख्या बताएंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या बताएंगे आपको, जुड़वा अभाज्य संख्या जो तमाम परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, एकदम यह अभाज्य संख्या है,
तो हम भाज संख्या बता रहे हैं। अभाज संख्या में हमने बताया कि जिन संख्याओं का केवल दो ठिणी गुणनखंड होता है उसी को हम अभाज संख्या कहते हैं। अब भाज संख्या में बताएंगे जिन संख्याओं का गुणनखंड दो से अधिक होता है। जिन संख्याओं का गुणनखंड दो ठिणी से ज्यादा होता है उसे हम भाज संख्या कहेंगे। अब जैसे देखिए एक एक देखिए इनका एक का गुणनखंड तो केवल एक है, यह भाज संख्या नहीं होगा, इसे हमने रफ कर दिया। भाई आप गलत हो। अब देखिए दो लिया, दो का गुणनखंड करेंगे तो दो का खंड एक होगा और दो का खंड स्वयं होगा, इसके अलावा कोई नहीं। हमने भाज संख्या का परिभाषा बताया जिन संख्याओं का गुणनखंड दो ठिणी से ज्यादा हो, दो ठिणी से ज्यादा यानी कि दो अंकों से ज्यादा कट रहा हो उसी को हम भाज संख्या कहते हैं, और जो संख्या केवल दो ठिणी से कट रहा हो उन्हें अभाज संख्या कहते हैं। इसीलिए यह भी जवाब गलत हुआ। अब देखे तीन को हमने लिया, इनका गुणनखंड यह केवल एक से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, इनका गुणनखंड केवल दो ही हुआ। हमने कहा कि जिन संख्याओं का गुणनखंड दो से अधिक होता है उन्हें हम भाज संख्या कहते हैं, इनका तो केवल दो ही है, भाई दो हुआ इसलिए यह भाज संख्या नहीं होगा। अभी भाज संख्या नहीं मिल रहा है। जैसे रामायण में माता सीता को खोजते खोजते राम लक्ष्मण इतना आसानी से नहीं खोज पाए थे, ऐसे हम सब खोज रहे हैं भाज संख्या को, अभी भाज संख्या मिला नहीं। अब देखे एक लिया, दो लिया, तीन लिया, भाज संख्या नहीं हुआ। अब इसके बाद चार लेते हैं, चार लेते हैं। जैसे हनुमान ने माता सीता का पता लगा लिया, वैसे आप सबको भी पता लगा लेना चाहिए कि अब भाज संख्या मिल गया है। देखिए चार, चार एक से भी कट रहा है, चार दो से भी कट रहा है, चार स्वयं से कट रहा है। इसीलिए कहने का मतलब इनका गुणनखंड, चार का गुणनखंड, चार देखिए चार एक से भी कट रहा है, दो से कट रहा है, चार से कट रहा है। कहने का मतलब यह चार दो ठिनी से ज्यादा कट रहा है, दो ठिनी से ज्यादा कट रहा है, इसलिए यह प्रथम भाज संख्या हुआ चार। यानी कि जो संख्या दो ठिनी से ज्यादा कटे वह भाज संख्या कहलाती है, जो केवल दो ठिनी से कटे उन्हें हम अभाज संख्या कहते हैं। अब देखिए अगला उदाहरण, चार के बाद हमने पांच लिया, यह केवल एक से कटेगा और पांच से कटेगा, दो ठिनी से ज्यादा नहीं हो रहा है इसलिए भाज संख्या नहीं होगा। अब तलक आप सब हमारी बातों को समझ चुके होंगे। अब इसके बाद देखिए छह, अगर आप नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। अब देखिए जहां तक है, प्रत्येक दिन हम 5 बजे आपका लाइव क्लास चलाएंगे। अब देखिए छह, छह एक से भी कट रहा है, दो से कट रहा है, तीन से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है। कहने का मतलब छह चार अंकों से कट रहा है, यानी कि दो ठिनी से ज्यादा कट रहा है, इसलिए यह क्या हुआ, भाज संख्या के अंतर्गत आएगा। भाज संख्या के मतलब जो संख्या दो ठिनी से ज्यादा कट रहा हो वह संख्याएं भाज संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे सात, सात नहीं होगा, सात केवल एक और सात से कटेगा, यह भाज संख्या नहीं होगा। सात के अलावा आठ, यह देखिए भाज संख्या होगा क्योंकि यह एक से भी कट रहा है, दो से भी कट रहा है और चार से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है। कहने का मतलब आठ होगा, नौ होगा, दस होगा, इसी तरह से आप समझ चुके हैं। इसी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आप। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आप। देखिए यह हमने आपको भाज संख्या बताया, अब हम बताएंगे अभाज संख्या, हमने बताया आपको भाज संख्या, अब बताएंगे सह अभाज संख्या। सह अभाज संख्या क्या होता है, सह अभाज संख्या, सह अभाज
संख्या क्या होता है? सअभाज संख्या का मतलब होता है यह हमेशा सदैव जोड़े में लिया जाता है, यह सदैव जोड़े में लिया जाता है। जब दो संख्याओं का HCF अगर एक आ जाए तो सहअभाज संख्याएं कहलाती हैं। परीक्षा में इंपॉर्टेंट है ये सब संख्याएं जो आज हम बता रहे हैं। सअभाज संख्या क्या है? जब यह संख्या सदैव जोड़े में लिया जाता है, जब जोड़े में लिया जाए लेकिन दोनों संख्याओं का हम स निकालें, एक आएगा तो सअभाज संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, जैसे देखिए चार, जैसे हमने लिया देखिए 2, 3, देखिए 2, 3 का अगर हम स निकालेंगे तो कितना आएगा? एक आएगा। जैसे हमने लिया 3, 4, इनका HCF निकालेंगे तो एक आएगा, अभाज संख्याएं होंगी। अब देखिए जैसा हमने लिया 5, 6, यह क्या होगा? सअभाज संख्याएं। जब सअभाज संख्याएं सदैव जोड़े में लिया जाता है, जब दो संख्याओं का HCF एक आ जाए तो उसे हम सअभाज संख्याएं कहते हैं। अब देखिए हम आपको बताएंगे जुड़वा अभाज संख्या। क्या बताएंगे? जुड़वा अभाज संख्या, जुड़वा अभाज संख्या बताएंगे हम। देखिए जुड़वा अभाज, जुड़वा का मतलब आप सब समझ चुके होंगे कि जुड़वा का मतलब दो में लिया जाता है। जुड़वा अभाज संख्या क्या बताएंगे? जुड़वा अभाज संख्या, जैसे आप जिंदगी में देखते हैं जुड़वा भाई, जुड़वा बहन, जुड़वा बेटे कहीं पैदा हो जाते हैं, ऐसे जुड़वा अभाज संख्या भी हुए। जुड़वा अभाज संख्या भाई, यह हमेशा जब दो अभाज संख्याओं का जब दो अभाज संख्याओं का अंतर दो हो तो जुड़वा अभाज संख्या कहलाती है। जुड़वा अभाज संख्या कहलाती है। आपने जाना जब दो अभाज संख्या अंतर दो हो तो जुड़वा अभाज संख्या कहलाती है। आपने जाना जब दो अभाज संख्याओं का अंतर, अरे भाई शांति रहो, देखिए अरे मित्र रमेश जी, जब दो अभाज संख्याओं का अंतर दो हो, कहने का मतलब जब दो अभाज संख्याओं का अंतर दो हो तो जुड़वा अभाज संख्या कहलाती है। जब दो अभाज संख्याओं का अंतर दो हो, जैसे हम बताएंगे आपको यहां पर, जैसे देखिए दो अभाज संख्या लेना है और उनका अंतर कितना होना चाहिए? दो। जैसे देखिए हमने लिया अगर 3, 5, देखिए 5 और 3 का अंतर कितना होगा? अंतर का मतलब 5 में से 3 निकालेंगे तो कितना आएगा? 2। इसीलिए यह जुड़वा अभाज संख्या हुआ, जुड़वा अभाज संख्या है। जैसे हमने लिया 5, 7, 7 में से 5 निकालें, अभाज संख्या होना चाहिए, अभाज संख्या होना चाहिए। जब दो अभाज संख्याओं का अंतर दो हो तो जुड़वा अभाज संख्या कहलाती है। निश्चित तौर पर आपके जो कि
60,244 पद पर भर्ती है, ऐसे प्रश्नों का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब, जब दो अभाज्य संख्याओं का अंतर दो हो तो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे तीन और पांच, इनका अंतर, पांच में से तीन निकालेंगे दो, सात में से पांच निकालेंगे दो। अगला उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, जैसे 11 में 11, 13, 13 में से 11 निकालेंगे दो। तमाम उदाहरण बता सकते हैं आप सब, जैसे 17, 19, 17 में से देखो 17, 19, 19 में से 17 निकालेंगे तो कितना आएगा दो। ये सब हुआ जुड़वा अभाज्य संख्या, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लेंगे। जुड़वा अभाज्य संख्या, अब देखिए, अब हम बताएंगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है लगातार, अब हम बताएंगे आपको लगातार प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएंगे। यानी कि लगातार प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, देखिए लगातार का मतलब कि बीच में गैप नहीं होना चाहिए। लगातार प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बताएंगे आपको, संख्याओं का योग बहुत इंपॉर्टेंट है, का योग। मिनटों का सवाल आप सेकेंडों में लगाएंगे। लगातार प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएंगे, वो भी ट्रिक द्वारा। अब देखिए लगातार प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, अब जैसे अगर दे दिया जाए उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। पहला उदाहरण अगर कहा जाए 1 + 2, लगातार आपको अंकों का इस्तेमाल है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, यानी कि कोई सीमा नहीं। लगातार देखिए हमने लिख दिया है लगातार प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। अब इनका योग एक ट्रिक होता है, क्या होता है, n n + 1/2 होता है, n n + 1/2। इनका योग निकालने के लिए देखिए हम यहां लिख दे रहे हैं योग, देखे योग, अब इनका निकालेंगे किस ट्रिक में, n n + 1/2। अब देखिए n का मतलब कई पद है, आप यहां से यहां तक गिनेंगे n = 10 आएगा, n = कितना आएगा 10 भाई, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 6 7 8 9 10, कुल मिलाकर 10 पद हैं, इसीलिए n की जगह कितना रखेंगे 10। फिर कोष्टक हमने लगाया, n के जगह 10 रखा प्लस 1 और बटे में 2। अब देखिए 2 × 5 = 10, कहने का मतलब यहाँ 5 आ गया और 10 × 1 = 11 हुआ। अब जोड़ेंगे 11 × 5 = 55, कहने का मतलब यह जोड़ने में आपको समय लगता, लेकिन जब यह ट्रिक जान जाएंगे n कोष्ठक में n + 1/2, तब आप मिनटों का सवाल सेकंडों में लगाएंगे। ये तो छोटा अंक हमने लिया, ऐसे आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब जैसे देखिए अगर कह दिया जाए, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें। अब देखिए अगर कह दिया जाए, यही सवाल हम कन्वर्ट कर रहे हैं अब आपको, देखिए अगर कह दिया जाए 10, अब यहां डॉट 50 पदों तक कह दिया जाए, देखिए कहां तक लिखा गया है 50 पदों तक, 50 1 से लेकर 50 तक, इसका गैप
प्लस डॉट 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 का मतलब इसके बीच में सब 11 से लेकर 49 तक लिखा गया है, इसका मतलब होता है। अब देखिए यह कहां तक लिखा गया है, 50 तक लिखा गया है, 50 तक लिखा गया है, तो n बराबर कितना रखेंगे, 50। कहे कई पद है भाई, 50 पद है, 50 पद हमने कहा, आप मिनटों का सवाल सेकंडों में लगाएंगे, कैलकुलेशन तो अपने ऊपर डिपेंड होता है। अब देखिए n के जगह कितना रखेंगे, 50, अब कोष्टक में n के जगह 50 प्लस 1, अब नीचे रखेंगे कितना, 2, अब 2 से यह कटेगा 25 आएगा, अब यहां आ गया 25 और यहां आ गया 50 और 1 51 हुआ। अब 25 का 51 में गुणा करेंगे, 25 एक का 25 आ जाएगा, 25 एक का 25, हाथ लगा 2, 25 पंचे 125, 125 और 2 हासिल, 25 2 देखें 25 पंचे 125, इन जोड़ेंगे तो 127 हो जाएगा, यानी कि 1275 आपका आंसर। माने 1 से अगर 50 तक दिया जाए, आप मिनटों का सवाल सेकंडों में लगा सकते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 5 बजे आपको हम प्रत्येक दिन वीडियो लाइव और खास खास प्रश्नों का मैथ यानी कि संख्या पद्धति से लेकर जितने भी खास चैप्टर हैं उस पर बताया जाएगा और रीजनिंग पर तमाम क्वेश्चन बताया जाएगा। अब देखिए आपका जवाब हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी कि लगातार प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का यह ट्रिक है, n+1/2। अब देखिए अब लगातार हम बताएंगे, ऐसे तमाम ट्रिक हैं लेकिन आपको इस समय केवल खास ट्रिकों का इस्तेमाल करके जिससे आप यूपी पुलिस में आप वर्दी के मुकाम तक पहुंच लें। अब हम बताएंगे लगातार सम संख्याओं का योग, लगातार अगर आपको सम संख्याएं दिया रहेगा तो उसका योग कैसे निकालेंगे, लगातार देखिए लगातार प्रथम यन सम संख्याओं का योग, लगातार प्रथम यन सम संख्याओं का योग, अगर सम संख्या के रूप में लगातार संख्या दिया रहेगा तो हम उनका योग कैसे निकालेंगे कैसे नहीं, लगातार प्रथम यन सम संख्याओं का योग, सम संख्या का मतलब जो संख्या 2 से कट जाती है, कहने का मतलब 2, 6, 8, 10, 14, 16, 18 इनका योग अगर पूछ लिया जाए, इतना ही नहीं ऐसे कोई भाई लगातार तमाम संख्याएं दे दिया जाए तो इनका योग कैसे करेंगे, ट्रिक है इनके लिए, ट्रिक आप जरूर याद कर लेंगे। ट्रिक नंबर दूसरा है आपका n n+1, इनका ट्रिक हुआ। अब देखिए कई पद है, n के जगह उतना रखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, n के जगह कितना रखेंगे, 9, n बराबर 9 रखेंगे, बस n के जगह हमने 9 रखा, देखिए n के जगह 9 रखा, कोष्टक में 9+1, अब देखिए 9 n 9 1 10 हुआ, 10 9 90, यह हुआ आंसर, यह हुआ आपका आंसर। लगातार प्रथम n सम संख्याओं का योग के लिए यह ट्रिक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला प्रश्न बताएंगे आपको। अब देखिए लगातार प्रथम n अब विषम संख्याओं का योग बताएंगे, क्या बताएंगे, लगातार प्रथम n विषम संख्याओं का योग,
लगातार प्रथम यन क्या यहाँ विषम संख्याओं का योग, विषम विषम संख्याओं का योग। अगर विषम संख्याएं दिया रहे दिया जाए तो इसका योग कैसे निकालेंगे भाई? देखिए, एक धन, तीन धन, पांच धन, सात धन, नौ धन, ग्यारह धन, तेरह धन, पंद्रह धन, सत्रह धन, उन्नीस। ये लगातार प्रथम यन विषम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? अब देखिए उदाहरण लगातार, इसमें देखिए इनका ट्रिक क्या होता है। ट्रिक नंबर थर्ड है, ट्रिक नंबर थर्ड, योग कैसे निकालेंगे भाई? केवल यन स्क्वायर। योग इनका कैसे निकालेंगे? यन स्क्वायर। यन क्या है? पदों की संख्या। जैसे एक पद, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस। यन के जगह कितना रखेंगे? दस रखेंगे। अब यन के जगह दस, ऊपर स्क्वायर, देखिए दस का स्क्वायर कितना होता है? सौ आंसर। अगर आप जोड़ेंगे तो सौ ही आएगा। अब देखिए कल हम आपको 5 बजे फिर लाइव आएंगे। अब तब तलक के लिए आपसे नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।